हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस श्रेणी के लोगों को खाना खाने से पहले अदरक के ऊपर सेंधा नमक डालकर ज़रूर खाना चाहिए। तो आज इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो लोग मंद अग्नि की समस्या से शिकार हों, ऐसे लोगों को खाना खाने से पहले अदरक का एक टुकड़ा, उसके ऊपर सेंधा नमक डालकर सुबह और शाम दोनों वक्त, चाहे तीन वक्त ही लें, इसका सेवन ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी अग्नि तीव्र होगी, आपको इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। जितने भी आजकल लोगों को रोग हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, शुगर है या थायराइड है, या आप थोड़े मोटे ही हैं, आपको मोटापे की वजह से कोई रोग है, आपको अपना मोटापा कम करना है परमानेंटली, तो सबसे पहले आपको अपनी मंद अग्नि का इलाज करना पड़ेगा। आपको अपनी मंद अग्नि को तीव्र करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना वज़न तो कम कर लेते हैं लेकिन वो अपनी अग्नि को तीव्र नहीं करते, उनका वज़न दोबारा गेन हो जाता है, उनका वज़न दोबारा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। 5 अग्निये जो मूल तत्व हैं, 7 अग्निये जो हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और जो 13वीं अग्नि है जो जठर अग्नि है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो जो बाकी 12 अग्निये हैं उनके अंदर दिक्कत आनी तय है। आजकल के लोग अपनी जठर अग्नि को खराब कर लेते हैं। उसके दो मूल कारण होते हैं। सबसे पहला, वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। दूसरी बात, जब भूख लगे तभी खाएं, बिना भूख के कभी नहीं खाएं। ये दो बहुत बड़े कारण होते हैं जिस वजह से आपकी अग्नि मंद होती है। अगर आपको रात में देर तक जगने की आदत है, खासकर 10 बजे के बाद अगर आप जगते हैं, तब भी आपकी अग्नि मंद होगी, तब भी आपको ये दिक्कतें आएंगी। तो अपनी अग्नि को तीव्र करने के, उसको तेज करने के दो ही तरीके हैं। एक, आप खाना खाने से पहले एक टुकड़ा अदरक का, उसके ऊपर सेंधा नमक डालकर खाएं। अगर आप अदरक का सेवन नहीं कर सकते तो थोड़ी सी सौंठ को देसी घी के अंदर भून लें और उसके बाद उसका सेवन करें। लेकिन अगर देसी घी बिलौना होगा, देसी घी दही में से लस्सी बनाकर उसमें से जब मक्खन निकाला जाएगा उस प्रक्रिया से बना होगा, तब ये अच्छे रिजल्ट्स देगा, नहीं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।